जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। रोष रैली भोटा चौक से गांधी चौक तक निकाली गई। रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक राजेंद्र राणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, कुलदीप पठानिया व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, गैस, डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और किसान मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। पहले तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश की आर्थिक स्थिति को तहस नहस कर दिया और अब बेशुमार महंगाई की मार से आम आदमी बहुत परेशान है। महंगाई को कम करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि किसानों का शोषण करने के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों के लिए भी केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, जिनका कांग्रेस सिरे से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए जरा सी महंगाई होने पर भाजपा सड़कों पर उतर जाती थी, लेकिन आज स्वयं सत्ता में होते हुए महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो भाजपा क्यों चुप है? वो अहम मसले हैं इस देश के इस समय। एक मसला है किसानों से जुड़ा हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे दो टुक फैसला है कि पार्टी किसानों के साथ है, और जो किसानों के साथ किसानों का शोषण हो रहा है और जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है। और सीधा सीधा मसला है कि जो तीन कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार ने, जो बनाए हैं, उनको वापस लेने की बात है। और टाइम एंड अगेन ये बात हो रही है कि ये पूंजीपतियों ने कानून बनाए, पूंजीपतियों ने इनको ड्राफ्ट किया, कि सरकार को उन्होंने ही मुहैया करवाई ये बिल, और उसके बाद सरकार ने इस पे जो है आंकड़ों में, क्योंकि उनके पास बहुमत था लोकसभा में, उससे उन्होंने जो है इस पे मोहर लगा दी, और राज्यसभा में आंकड़े ना होने के बावजूद भी धक्काशाही से इसको पारित कर दी। और देशव्यापी किसान जो है आक्रोशित है, और हम भी इसको पूरे प्रदेश में जो है किसान आंदोलन को खड़ा करेंगे। पे हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी है अपना स्टैंड है पूरी तरह स्पष्ट करे कि वो किसान के साथ है या किसान के विरोध में है, बिलों के पक्ष में है या बिलों के विरोध में है, पूंजीपतियों के साथ है या पूंजीपतियों के विरोध में है। तो ये बात हमने की है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो होर्डिंग का कानून बना है कि पहले होता था जमाखोरी के लिए कानून से जो है पकड़ धकड़ होती थी, आज ये कर दिया कि जितना मर्जी जमाखोरी करो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो जमाखोरी का कानून जो है ये अंबानी अदानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बनाया है कि वो पूरे देश के किसान की संपदाओं को खरीद सके और उनकी ज़मीनों को खरीद सके बाद में। तो इसलिए ये लड़ाई है, और इसमें हम साथ देंगे। विधानसभा में भी ये मसले उठेंगे, 25 से शुरू हो रहा है। और दूसरा, महंगाई तो अब तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। वही ये वही लोग हैं जो कि महंगाई को लेके, गैस के दामों को लेके, पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके तत्कालीन प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजते थे, और आज इनकी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? आज इनका विरोध कहाँ चला गया? आज ये कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है या गैस का दाम बढ़ रहा है, ये राष्ट्रहित में है और राष्ट्र की समस्याओं को निपटने के लिए है। तो उस समय भी राष्ट्र की बात होती थी, आज कह रहे हैं कि जी ये ऑटोमेटिक है रेट्स का, खुले बाजार की बात है, इनके मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन अब तो इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है, कई जगह तो पेट्रोल का रेट 100 रुपये मार कर गया है, कि प्रदेश की जयराम सरकार जो है उसको सत्ता से उखाड़ने के लिए एक निर्णायक आंदोलन छेड़ा जाएगा जल्द ही, और बजट सेशन के बाद जो है उसकी नीति निर्धारित की जाएगी, चाहे पद यात्राएँ करनी हो, चाहे जमासे में पहुँचना हो, वो सारा कार्यक्रम PCC के साथ मिलकर तय किया जाएगा।